हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जैसा कि आप थंबनेल हमारे टाइटल को देख के समझ गए होंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। यस ट्रू, वी आर गोइंग टू डू अ 24-आवर चैलेंज ऑफ मेकिंग थालीज। दिस इज गोना बी हेटिक बट वी गोना डू इट। तो हम तीन थालियां प्रिपेयर करेंगे, वन द ब्रेकफास्ट थाली, सेकंड द लंच थाली एंड द थर्ड द डिनर थाली। सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट थाली बनाने जा रहे हैं जिसमें हम बनाएंगे साउथ इंडियन प्लेटर। और जो भी इन चीज़ें मैं बना रही हूँ वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी क्योंकि ऐसे याद रहना मुश्किल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम बिकॉज इट्स ऑलरेडी 7 o'clock, हम लोग बनाना शुरू करते हैं। रात के बज रहे हैं 10 और मैंने करीबन 6 घंटे पहले दाल और राइस को भिगो के रख दिया था। नाउ मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। एंड हेयर आवर बैटर इज रेडी। हमारा कल का राइस का बैटर और दाल का बैटर हो गया था फर्मेंटेड, और उसके बाद मैंने राइस और दाल का बैटर मिक्स करके इडली के लिए थोड़ा सा बैटर बनाया है। और ये दाल का बैटर है जो मैंने सोचा तो था कि मैं मेंदू वड़ा बनाऊंगी, बट मुझे पता नहीं था कि मेंदू वड़ा के लिए दाल का जो बैटर है वो काफ़ी थिक बनता है। तो अब वो बैटर हो गया है काफ़ी रनी, तो मैं उसका मेंदू वड़ा की जगह नॉर्मल दाल के वड़े बनाऊंगी। I was thinking to cook mini idli, but मेरे पास mini idli के नाम पे इतने छोटे छोटे वाले सांचे हैं और idlis के लिए इतने बड़े हैं, तो मैं काम करती हूँ, मैं दोनों में बनाती हूँ idli। साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट प्लेटर, ये हमारी केले के पत्ते पे हम खाने वाले हैं। एस मैंने इसे धो के उठ लिया है और अब मैं लगाती हूँ अपना पूरा साउथ इंडियन प्लेटर। चल, हमारा सांबर, चटनी, हमारी थोड़ी सी बड़ी वाली इडली, उत्तपम, बटन इडली या मिनी इडली भी कहते हैं ना, इस आर डोसा, मेंदू वड़ा तो बन नहीं पाया था बट हमने वड़े बनाए थे, दाल वड़े, वो ले लेंगे, हमारे पापड़। आर साउथ इंडियन प्लेटर इज रेडी। अब हम इसको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, देखते हैं कैसा बना है। एट लास्ट मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, सबसे पहले मुझे सांभर चखना है। सांभर इतना टाइम हो गया था, फिर लास्ट में सांभर मम्मी ने प्रिपेयर किया, एज ऑलवेज सांभर बहुत अच्छा बना हुआ है। मैंने फर्स्ट टाइम बटन इडली बनाई है और ये काफी अच्छी बनी है दिखने में, खाने में बहुत टेस्टी है। बटन इडली के अलावा मैंने पहली बार दाल और चावल वाली इडली बनाई है, मैं हमेशा रवा की बनाती हूँ। बड़े तो आई नो अच्छे बने होंगे, चटनियाँ भी ऑन पॉइंट बनी है। बहुत टेस्टी बनाया, आई शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने इतना अच्छा बनाया। डोसा तो इतना प्यारा डोसा बना है, दिस इज माई सेकेंड अटेम्प्ट जब मैंने डोसा बनाया और ये बहुत अच्छा बना हुआ है डोसा। और इसी के साथ साथ मैंने ये उत्तपम भी फर्स्ट टाइम बनाया, लेट मी ट्राई। बहुत अच्छा बना है, मजा आ गया। अब मैं पूरी प्लेटर खत्म करती हूँ, तब तक मिलते हैं आपसे लंच। Hey, I'm back. तो अब बारी है लंच की, और लंच में हम बनाने वाले हैं बंगाली थाली। क्या क्या बनाने वाली हूँ वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। और उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो बंगाली थाली का मेन पोर्शन होता है वो होता है दाल और भात। तो सबसे पहले हम दाल भात बना लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कुकिंग। राइस हो गए हैं रेडी,
एंड उसके साथ साथ हमारी दाल भी बनने लग चुकी है। नाउ इट्स टाइम टू कुक आलू, सॉरी झूरी आलू भाजा। लेट्स चॉप द पोटैटोस इनटू, अब हम काटेंगे आलू और हम जितने छोटे और पतले पीस कर पाएंगे उतने करेंगे, क्योंकि तभी वो इजीली फ्राई होंगे, वरना उन्हें फ्राई होने में लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम। थोड़े छोटे छोटे काट लिए हैं, आई नो ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है बट आई थिंक से काम चल जाएगा। नाउ जब तक हमारा आलू भाजा, झूरी आलू भाजा ऑब्वियसली तैयार हो रहा है, तब तक हम सेकंड डिश बना लेते हैं, दैट इज बैगन भाजा। मेरे बाल बिल्कुल उड़े उड़े हो रहे हैं। Maybe I'm looking tired, I don't know. But finally after 2.5 hours मैंने लगभग सारी चीज़ें बना ली हैं। Now it's time to curate the थाली, let's go। हम लेंगे एक बड़ी सी थाली क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ें curate करनी है इसमें। You can see मेरे हाथ से काफ़ी स्पेस है। तो सबसे पहले डालेंगे हम राइस, द मेन इन्ग्रीडियंट। मैंने उसे अच्छे से प्रेस कर लिया कटोरी में, होप सो ढंग से आ जाए। फिर हमारी आ जाती है दाल, दाल के बड़े, बैगन भाजा, फ्राइड गोभी, हमारा थोड़ा सा आलू भाजा, नॉट एग्जैक्टली आलू भाजा बन नहीं पाया बट स्टिल। इसमें जाएगा आलू का चोखा, थोड़े से पापड़, साइड में थोड़ा सा नींबू, एक हरी मिर्च, द स्वीट इज इम्पॉर्टेंट, रसगुल्ला, द टमाटर की मीठी चटनी। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट। बहुत देर लगी है, बहुत मेहनत लगी है इसे बनाने में। मुझे लग रहा है कि शाम के 4 तो ऐसे ही बज गए हैं, अब इसके बाद हमें डिनर भी तैयार करना है। वेट फॉर कि हम लोग क्या डिनर बनाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही टेस्ट करते हैं। मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया, दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो मेरे लिए सबसे न्यू इस क्विजीन में है वो ही मीठी, खट्टी मीठी टमाटर की चटनी है, इसे मुझे जरूर ट्राई करनी है। काफ़ी टेस्टी बनी है। तो अपना ये बंगाली थाली वाला फूड, और आपसे मिलते हैं डिनर टाइम पे, बाय। शाम के 6-7 बज रहे हैं और मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं कुछ चाइनीज़ खाऊं, सो आई डिसाइडेड कि मुझे क्या बनाना है, और मुझे जो भी प्लेटर के लिए बनाना है वो सबके सब मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देती हूँ, आप देख सकते हैं। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं। राइस मैंने ऑलरेडी कुक कर लिए हैं फॉर फ्राइड राइस। हमें बनाने हैं ये नूडल्स, तो हम इन्हें बॉयल करने रख देते हैं और तब तक मैं वेजीज काट लूँगी। Along with that, मैंने आलू भी चॉप कर लिए हैं। It's time to cook our second dish, noodles.
चिली पटेटो के लिए आलू तैयार हैं, चिली पनीर के लिए पनीर तैयार है और मंचूरियन के लिए मंचूरियन बॉल्स तैयार हैं। अब लगभग चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, अब मैं क्या करूँगी, मैं चिली पनीर और मंचूरियन, मैं तो भूल भी गई हूँ उतना काम करते करते, चिली पनीर मंचूरियन और हनी चिली पटेटो, तीनों के लिए जो ग्रेवी बनती है वो लगभग सेम बनती है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज होती हैं, तो मैं बेस ग्रेवी सेम बना लूँगी और फिर बाद में सब कुछ एडिट करके सबको अलग अलग कर चले जाएंगे इसमें। ये रेडी, एट लास्ट सारी चीजें बनके तैयार हो गई हैं और मैंने मोमोज को रख दिया है स्टीम होने, तब तक मैं कर लेती हूँ प्लेटिंग। सारा बनाना बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है, बट आई रियली इन्जॉय कुकिंग, तो मैंने अपने लिए बनाया है। लेट्स अब इसे खा के देखते हैं कैसा बना है। आई नो अच्छा ही बना होगा, बट लेट्स ट्राई। सबसे पहले मैं मोमो ट्राई करूँगी क्योंकि इसको मैंने सबसे लास्ट में बनाया है, थोड़ी सी चटनी के साथ, और आई लव मोमोज विद मेयोनीज, तो मेयोनी भी ज़रूरी है लगाना। बहुत अच्छा है। अब खाते हैं हम अपनी मंचूरियन बॉल। सी सो सॉफ्ट एंड जूसी एंड माय फेवरेट चाइनीज में मेरे नूडल्स हैं, इन्हें मैं खाना कैसे भूल सकती हूँ। बहुत अच्छे बने हैं। चलिए अब मैं सारा ख़त्म करती हूँ, तब तक आप भी इसमें से कुछ ट्राई करिए। मैं नहीं कह रही सब एक साथ बनाइए, बहुत टाइम लगता है, रात के बज चुके हैं 10, बट कुछ ना कुछ ज़रूर ट्राई करना चाहिए। घर पे खाना बना के खाने का अलग ही मज़ा होता है। बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट टाइम।